हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के गृह ग्राम बड़वानी जिले में आए दिन मासूमों के साथ दुष्कर्म, किडनैपिंग जैसे घटनाओं से जिले के लोगों और स्कूल कॉलेज में जाने वाली छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। अभी हाल ही में सेंधवा थाना क्षेत्र के मालवन की घटना जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, राजपुर नरावला की घटना, ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही है। गृह मंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं होना सुशासन को नहीं दर्शाता। हाल ही में घटित हुई सेंधवा थाना क्षेत्र की घटना जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चे को शाम को अगवा कर सुबह उसे उसकी लाश उसी के घर से आधा किलोमीटर दूरी पर मिली, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वहीं उस मासूम के मुंह में लकड़ी ठूस दी गई। वहीं राजपुर नरावला फांटे पर जुलवानिया की नवविवाहिता छात्रा जो परीक्षा के दौरान राजपुर आई थी, उसे भी अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म कर हाथ पैर बांध कर आरोपी फरार हो गया। इन घटनाओं से आहत होकर ABVP छात्र संगठन द्वारा SP बंगले के घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वहीं ऐसी घटनाएं किसी छात्रा के साथ न हो, इसके लिए नायब तहसीलदार दर्शिका उइके को ज्ञापन सौंपा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मेरा नाम सलोनी शर्मा है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि अभी हाल ही में जो लड़की है जुलवानिया की, वो सिर्फ एग्ज़ाम देने आई थी और एग्ज़ाम देने आई थी, उसको एकदम से किडनैप कर लिया गया और उसके साथ गलत काम किया गया और उसको बांध के फेंक दिया गया। तो हमने ये ज्ञापन दिया है क्योंकि आए दिन ये अपराध देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि ये जो PG कॉलेज है, आए दिन लड़कियां बाहर से यहाँ पढ़ने आती है, एग्ज़ाम देने आती है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय लिया जाए, क्योंकि आए दिन लड़कियाँ आ रही है, आज वो होती कल कोई भी बहन हो सकती है। तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। प्रीतम राज बड़ोले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग सह सचिव की जिम्मेदारी है। अभी 2 दिन पूर्व जुलवाना थाना क्षेत्र की एक युवती 24 तारीख को परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देने के बाद उसको कुछ अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करके 6 दिवस तक उसके साथ शोषण किया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए और उसको तरह तरह की यातनाएं दी। उसके बाद तुरंत 2 दिन पूर्व में राजपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर नरावला में उसके हाथ पैर और मुँह बांध कर फेंक दिया गया बेहोशी के हालात में। उसी को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे और कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि अगर अभी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे इस प्रकार की और घटनाएं हो सकती है, ऐसा अंदेशा है हमको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।